वेलकम बैक टू केएमआर ट्यूटोरियल। मैं हूं आपका केएमआर। आज हम हिंदी साहित्य का इतिहास के अंतर्गत आने वाली प्रमुख कवयित्री कृष्ण सोबती के जीवन परिचय संपूर्ण विवरण के साथ जानकारी प्राप्त करेंगे। कृष्ण सोबती का जन्म 18 फरवरी 1925 में हुआ। जन्मस्थान गुजरात, अब पाकिस्तान में स्थित है। मृत्यु 25 जनवरी 2019 में हुई। संयमित अभिव्यक्ति और सुतरी रचनात्मकता से अपने लेखन का सृजन करने वाली कृष्ण सोबती का जन्म पाकिस्तान के गुजरात प्रांत में 18 फरवरी 1925 को हुआ था। भारत और पाकिस्तान के विभाजन के बाद इनका परिवार दिल्ली में आकर रहने लगा और यहीं पर इन्होंने साहित्य की सेवा को करना आरंभ कर दिया। अपनी रचनाओं के माध्यम से कृष्ण सोबती ने नारी के ऊपर होने वाले विभिन्न प्रकार के अत्याचारों को उजागर किया। उनकी विभिन्न समस्याओं के साथ उन्हें प्राप्त होने वाले सामाजिक अश्लीलता का बखूबी वर्णन किया। इनकी रचना जिंदगी नामा के लिए 1980 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया और 1996 में साहित्य अकादमी का फिलो बनाया गया, जो कि अकादमी का सर्वश्रेष्ठ सम्मान है। इन्हें 2017 के प्रतिष्ठित ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनकी समस्त रचनाओं में सामाजिक और नैतिक बहसों की जो फिजा मिलता है वह पाठकों के दिलों पर छा जाने वाली है। साहित्यिक परिचय। साहित्य रचना में इन्होंने एक स्वतंत्र और मूल समस्याओं को उजागर करने का प्रयत्न किया। अपनी रचनाओं के माध्यम से नारी अत्याचार और समाज से जुड़ी अन्य मूल समस्याओं का उल्लेख इन्होंने किया है। रचनाएं, उपन्यास डार्से बिचूड़ी 1958 में लिखा, सूरजमुखी अंधेरे के 1972 में लिखा, जिंदगी नामा 1979 में लिखा। इस उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। मित्रों मरजानी 1984 में लिखा। हाई लड़की 1991 में लिखा। दिलो धानिस 1993 में लिखा। समय सरगम 2000 में लिखा। यारों के यार और तीन पहाड़ आदि इनकी प्रमुख उपन्यास है। कहानियां, बादलों के घेरे 1980 में लिखा और सिक्का बदल गया। याद रखिए, मित्रों मरजानी और सिक्का बदल गया, ये दोनों को लघु उपन्यास भी कहा जाता है। प्रमुख सम्मान, साहित्य अकादमी पुरस्कार 1980 में मिला। शिरोमणि पुरस्कार 1981 में मिला। हिंदी अकादमी पुरस्कार 1982 में मिला। सलाका पुरस्कार 2000 और 2001 के लिए मिला। ज्ञानपीठ पुरस्कार 2017 के लिए मिला। थैंक्स फॉर वॉचिंग KMR ट्यूटोरियल। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब, टैप द बेल आइकन, लाइक शेयर एंड कमेंट।